आज हम जैन दर्शन में आगे बात करेंगे बंधन और मोक्ष पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि बंधन का कारण जैन दर्शन में शरीर को माना गया है, तो फिर अब शरीर का कारण क्या है, इसके बारे में जैन दर्शन क्या कहता है, उससे बात हम आगे शुरू करते हैं। जैन दर्शन में शरीर का कारण कर्म को बतलाया गया है, यानी कि हम जो कर्म करते हैं वो ही शरीर का कारण है। कर्म करने पर उसके कुछ फल बनते हैं और उन फलों का जो भोग है वो जीव नहीं करता अपितु शरीर द्वारा किया जाता है। इसलिए उन कष्टों को या उन सुखों को और दुखों को भोगने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, जो हमने कर्म किए हैं उनका फल भोगने के लिए। तो फिर उन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर को धारण करना पड़ता है या जीव जो है वो शरीर से जुड़ता है। फिर शरीर धारण करने पर मन में फिर कामनाएं जगती हैं, व्यक्ति फिर कर्म करता है और फिर उनका फल भोगता है। तो इस तरह से जीव जो है वो पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर धारण करता है, और जैसे ही शरीर धारण करता है पिछले कर्मों का फल तो भोगता ही है, साथ में कुछ नए कर्मों का निर्माण भी कर लेता है। और अब यह स्थिति होती है कि जो इस बार शरीर धारण करने पर जो कर्म किए हैं उनका फल भोगने के लिए उसे पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक अनंत चक्र की श्रृंखला आरंभ हो जाती है कि पहले कर्म करो, फिर उनके फल भोगो, फल भोगते हुए फिर कुछ कर्म कर दो तो फिर फल भोगो और शरीर धारण करो। तो कर्म फल, फिर कर्म का फल, फिर कर्म का फल, फिर कर्म, फिर फल, फिर कर्म, फिर फल। तो यूं करके ये शरीर धारण करने की एक अंतहीन श्रृंखला, अंतहीन चक्र आरंभ हो जाता है। तो मुद्दे की बात इतनी है कि हम शरीर इसलिए धारण करते हैं क्योंकि हम कर्म करते हैं और कर्म का फल भोगने के लिए हम शरीर धारण करते हैं। तो ये एक श्रृंखला चलती चली जाती है। फिर प्रश्न उठता है कि व्यक्ति कर्म क्यों करता है, कर्म भी तो किसी न किसी कारण से होते होंगे। तो उसके बारे में जैन विचारकों का बड़ा स्पष्ट है, वो कर्मवाद में, पहली बात तो है कि वो कर्मवाद में पूरी तरह से विश्वास करते हैं, यानी वो मानते हैं कि कर्म होते हैं और उसका एक फल होता है। कर्मवाद का अर्थ ये है कि जैसा आप कर्म करोगे उसका उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा ही, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो जो भी अपने आप को कर्मवादी कहते हैं वो कर्म और फल में एक अटूट संबंध को स्वीकार करते हैं। तो इस अर्थ में जैन दार्शनिक जो हैं या जैन जो धर्म है वो पूरी तरह से कट्टर कर्मवादी है। वो यहाँ तक मानते हैं कि जो हमें उम्र मिलती है, जो हमें शरीर का रंग मिलता है, जो परिवार मिलता है, जो गोत्र मिलता है, जैसा शरीर मिलता है, स्वस्थ अस्वस्थ, सुडौल बेडौल, वो सभी के सभी हमारे कर्मों के कारण मिलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही शरीर, वैसा ही गोत्र, वैसी ही जाति, वैसा ही वर्ण, वैसी ही सारी व्यवस्था आपको मिलती है। ठीक ऐसी ही स्थिति कर्म की उपलब्धता की है कि व्यक्ति को कर्म किसी बाधा के कारण, किसी शक्ति से बाध्य होकर करना पड़ता है या वो स्वयमेव करता है। क्या कर्म की स्वतंत्रता है? जैन दर्शन कहता है कि हम कर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, यानी कि व्यक्ति कर्म करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो जब चाहे जिस प्रकार के चाहे कर्म कर सकता है, उस पर किसी ताकत, किसी दैवीय शक्ति या किसी प्रकार के फोर्स की बात वो स्वीकार नहीं करते। और फिर जो कर्मवाद का जो मूल तत्व है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, वो भगवान को तो मानते नहीं पर जो भी उनके भगवान हैं वो इसे स्वीकार करते हैं। तो आज हम बस इतनी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।